हेलो एवरीवन। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया था कि फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर की टेंटेटिव डेट्स ही रिलीज कर दी गई है, जिसके एग्जाम आपके मई जून 2022 में होने हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है यहाँ पे डाउनलोड करने में कि डेट शीट आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हमारे कौन सा एग्जाम किस दिन है, तो एक बार आप डेट शीट को एक्सप्लेन कर दें। तो पहली बात, तो डेट शीट आपको डाउनलोड कहाँ से करनी है, तो आपको आ जाना है DU की एग्जामिनेशन विंग की वेबसाइट पर, जो है exam.du.ac.in। यहाँ पे आप डेट शीट के सेक्शन में जाएंगे और आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये इस तरह का सेक्शन मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एडमिशन ऑफ 2019 एंड 2020। ये वाली जो डेट शीट है, ये डेट शीट आपको डाउनलोड करनी है। ये जो ऊपर आपको डेट शीट दिख रही है, ये सारी डेट शीट रेगुलर के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक एक डेट शीट में जो कोर्स वाइज, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन से कोर्स के एग्जाम किस दिन है, तो आपको यही वाली डेट शीट डाउनलोड करनी है। ध्यान से आपको एक बार दोबारा यहाँ पे देख लें, जहाँ पे आप नीचे आएंगे थर्ड नंबर पे आपको डेट शीट मिल जाएगी, जहाँ पे पूरा साफ साफ लिखा होगा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एडमिशन ऑफ 2019 एंड 2020 एग्जामिनेशन मई जून 2022। तो ये वाली डेट शीट आपको डाउनलोड करनी है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं BA प्रोग्राम की, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स है वो BA प्रोग्राम में ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट शीट में साफ साफ यहाँ पे मैंशन किया हुआ है, डेट शीट फॉर BA प्रोग्राम चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सेमेस्टर एग्जामिनेशन मई जून 2022 मेंट फॉर पार्ट थ्री। पार्ट थ्री का मतलब है थर्ड ईयर, यानी जो सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, पार्ट टू यानी जो सेकंड ईयर जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स अलोंग विद द ओनली एक्स स्टूडेंट इसेंशियल रिपीट एंड इंप्रूवमेंट केसेस ऑफ पार्ट वन यानी सेकंड सेमेस्टर ऑल्सो अपीयर एज पर रूल। यानी कि डेट शीट किन किन स्टूडेंट्स के लिए, सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा सिक्स और फोर्थ सेमेस्टर का कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके सेकंड सेमेस्टर का कोई एग्जाम रह गया है, या फिर वो एक्स स्टूडेंट अभी सेकंड सेमेस्टर में है, तो उनके लिए भी यही डेट शीट फॉलो होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हर बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेरी आती है कि यहाँ पे जो हमारे डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं उनके एग्जाम यहाँ पे 2 दिन होने हैं। जैसे यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट वन है, इसका आप देख सकते हैं 9 जून को एग्जाम है, फिर 10 जून को बॉयज़ के लिए एग्जाम है। और इसके बाद नीचे आप देखेंगे जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट 2B है, उसमें भी सेम डेट्स, सेम ही सब्जेक्ट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स हर बार ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारे एक सब्जेक्ट का एग्जाम 2 दिन है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको ये नोट यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना होता है। यानी कि BA प्रोग्राम कोर्स में आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स होते हैं। मान लीजिए एक डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपका इकोनॉमिक्स, दूसरा डिसिप्लिन सब्जेक्ट है आपका मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस। अब जो इकोनॉमिक्स का अल्फाबेट ई है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, और जो पॉलिटिकल साइंस का अल्फाबेट पी है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बाद में आता है। तो इकोनॉमिक्स जो है आपका डिसिप्लिन 1 सब्जेक्ट होगा और पॉलिटिकल साइंस आपका डिसिप्लिन 2 सब्जेक्ट होगा। तो डिसिप्लिन 1 के दिन आपको इकोनॉमिक्स का एग्जाम देना है और डिसिप्लिन 2 के दिन आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देना है, और इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे डेट शीट की बात कर लेते हैं, तो जनरली आपके एग्जाम जो है 1 जून से स्टार्ट है। हालांकि 1 जून को सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम है AECC का। तो AECC में अगर सेकंड सेमेस्टर में आपके किसी सब्जेक्ट में बैक है तो आपको 1 जून को उसका एग्जाम देना है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर दिए, ये जो सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम यहाँ पे 1 जून को हो रहे हैं, ये सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, मेल स्टूडेंट्स की डेट जो है आगे दी गई है। इसके बाद जो आपका स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स का एग्जाम है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके दिए हैं, इनमें से जो भी सब्जेक्ट है उसका एग्जाम आपको देना है। जो फीमेल स्टूडेंट्स होंगे उनका एग्जाम होगा 2 जून को, और जो मेल स्टूडेंट्स होंगे उनका एग्जाम होगा 3 जून को। टाइमिंग दोनों की सेम है, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक मॉर्निंग में। और इसके बाद स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC का सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है, ये 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें से जो भी सब्जेक्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। 4 जून को फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम है और 5 जून को मेल स्टूडेंट्स का एग्जाम है। उसके नीचे आप आएंगे तो जनरल इलेक्टिव कोर्स वही जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, ये 6 जून को एग्जाम है फीमेल स्टूडेंट्स का और 7 जून को है मेल स्टूडेंट्स का। इसके नीचे आएंगे आप तो जो लैंग्वेज कोर्स है सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, उनके यहाँ पे एग्जाम दिए हुए हैं। इनमें से जो भी लैंग्वेज यानी हिंदी इंग्लिश जो भी आपका एग्जाम है, आपको अपने जो सब्जेक्ट कोड है उसको यहाँ पे मैच कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने हैं। तो उनका एग्जाम जो है 8 जून को है। इसके नीचे फिर डिसिप्लिन सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, पहले 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप डिसिप्लिन 1 भी है, यानी कि जो फर्स्ट आपका डिसिप्लिन है उसका एग्जाम आपको है 9 जून को फीमेल स्टूडेंट्स के लिए और 10 जून को मेल स्टूडेंट्स के लिए। इसके नीचे आप आएंगे तो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं, सेकंड डिसिप्लिन सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसका एग्जाम 11 जून को है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए और 12 जून को है मेल स्टूडेंट्स के लिए। उसके नीचे आएंगे आप तो लैंग्वेज कोर्स है 4 सेमेस्टर का, फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 13 जून को और मेल स्टूडेंट्स का भी 13 जून को ही है। लेकिन यहाँ पर टाइम में डिफरेंस है, जो फीमेल स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट होगा 12 बजे तक, और जो मेल स्टूडेंट्स है उनका एग्जाम 3 बजे शाम को स्टार्ट होगा, 6 बजे तक खत्म होगा। उसके नीचे आएंगे आप तो लैंग्वेज कोर्स यहाँ पर दिया हुआ है,
ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आप आगे जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर का डिसिप्लिन वन कोर्स है, इसका एग्ज़ाम जो है 15 जून को है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, और 15 जून को ये मेल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन उनका टाइम जो है वो शाम को 3 बजे से 6 बजे के बीच में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन कोर्स वन सेमेस्टर टू के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 16 जून को है 9 बजे से 12 बजे के बीच में। इसी तरह से आप देखेंगे डिसिप्लिन कोर्स टू, ये भी सेकेंड सेमेस्टर का, ये 17 जून को है। फिर डिसिप्लिन टू जो है फोर्थ सेमेस्टर का, उसका एग्ज़ाम आपका 18 जून को है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए 9 बजे से 12 बजे तक, और जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम 18 जून को ही होगा 3 बजे से 6 बजे तक। यानी 18 जून को आपका लास्ट एग्जाम है बीए प्रोग्राम के कोर्स में। बाकी यहाँ पे कुछ नोट्स दिए हुए हैं कि जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ड्यू की वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी। इसके अलावा जो एसएल के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एसएल के वेबसाइट पे भी आएगी। इसके अलावा अगर आपको डेट शीट में कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आती है, कोई इसमें गलती नजर आती है, तो ये जो ईमेल आईडी है datesheet@exam1.du.ac.in, और इस पर आप भेज सकते हैं 31 मार्च 2022 के पहले पहले शाम को 5 बजे से पहले। ठीक है, एग्जाम मोड का मैंने जैसा आपको बताया अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम जो है ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। डेट शीट में ऐसा एग्जाम मोड के बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो ये होगी बीए प्रोग्राम की डेट शीट। आगे आप देखें तो ये बीए ऑनर्स की डेट शीट है। अब इसमें दो कोर्स इंक्लूडेड है, बीए ऑनर्स इंग्लिश भी और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला एईसीसी यानी एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके एग्जाम यहाँ पे दिए हुए 9 मई को होगा उसका एग्जाम 3 बजे। इसके बाद आप देखेंगे 11 मई को आपका 6 सेमेस्टर के कोर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, वो भी सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा। 12 मई को आपका जनरल इलेक्टिव का एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का। इसके बाद आपका 14 मई को एसईसीसी का, सॉरी इसके लिए अनाउंसमेंट इलेक्टिव कोर्स का, इसका एग्ज़ाम है 4 सेमेस्टर का। इसके नीचे आप जाएंगे तो 18 मई को आपका सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर का जो सेकेंड होता है उसका एग्ज़ाम है। इसके बाद 19 मई को आपका 6 सेमेस्टर का डिसिप्लिन इलेक्टिव कोर्स जो है उसका एग्ज़ाम है। 20 मई को जो कोर पेपर है 4 सेमेस्टर का उसका एग्ज़ाम है, और 21 मई को 4 सेमेस्टर का जनरल इलेक्टिव। 23 मई को सेकेंड सेमेस्टर का कोर पेपर, 26 मई को डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डिसिप्लिन 4 का एग्ज़ाम है, और 28 मई को जो कोर पेपर है उसका एग्ज़ाम यहाँ पे दिया हुआ है। 31 मई को जो 6 सेमेस्टर का कोर पेपर है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो इस डेट शीट के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना है। 4 जून को जो कोर पेपर है 4 सेमेस्टर का उसका एग्जाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये डेट शीट जो है बीए ऑनर्स वालों की है, इसमें दोनों कोर्स इंक्लूडेड हैं, बीए ऑनर्स इंग्लिश और बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और इनके एग्जामिनेशन जो है 9 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 9 मई को जो है सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, बाकी जो 4 सेमेस्टर के या 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम है तो 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम 11 मई से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम है वो 14 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीकॉम की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीकॉम जो एग्ज़ाम है वो मैंने बीए प्रोग्राम वाले केस में आपको समझा दिया था, 4 सेमेस्टर के हैं 6 सेमेस्टर के हैं, और 4th और 6th सेमेस्टर का कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके सेकंड सेमेस्टर में किसी एग्ज़ाम में बैक है, या फिर जो कोई सेकंड सेमेस्टर का एक्स स्टूडेंट्स है उनके एग्ज़ाम भी इसी में होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रोग्राम कोर्सेज है जनरली उनके एग्ज़ाम 1 जून से स्टार्ट है, तो बीकॉम प्रोग्राम के भी 1 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। 1 जून को आपका AECC 1 का एग्ज़ाम है सेकेंड सेमेस्टर का, 2 जून को आपके 4th सेमेस्टर के स्किल एनहांसमेंट कंपलसरी स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स का एग्ज़ाम है, 3 जून को आपका अगेन 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स का, 4 जून को आपका सैटरडे को 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है कोर सब्जेक्ट का, 5 जून का 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है इलेक्टिव कोर्स का, 6 जून को आपका बिजनेस लॉ का एग्ज़ाम है जो कि सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, 7 जून को आपका डिसिप्लिन इलेक्टिव स्पेसिफिक बी इसका एग्ज़ाम है, 8 जून को आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है जो कि 4th सेमेस्टर में आपका आएगा, इसी तरह से 9 जून का आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का, 10 जून को आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव का एग्ज़ाम है 6th सेमेस्टर का, 11 जून को आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है जो आपका लैंग्वेज कोर्स होता है उसका, 12 जून को आपका 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है लैंग्वेज कोर्स का ही, और इसी तरह से जो लास्ट एग्ज़ाम है वो भी आपका 12 जून को ही है 4th सेमेस्टर का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये बीकॉम के लिए हो गया। नेक्स्ट है बीकॉम ऑनर्स। तो बीकॉम ऑनर्स जैसे मैंने बताया जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उसकी एग्ज़ाम्स 1 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके एग्ज़ाम 9 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग यहाँ पे दी गई है, 9 बजे से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे बीकॉम ऑनर्स के, और 12 बजे तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। 9 मई को आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स जो सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम है, 11 मई को आपका जो कोर सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर का गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड कस्टम्स लॉ उसका एग्ज़ाम है, 12 मई को जनरल इलेक्टिव सेकंड सेमेस्टर का, 17 मई को स्किल एनहांसमेंट इलेक्टिव कोर्स जो 4th सेमेस्टर का है, 18 मई को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, 20 मई को 4th सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग, 21 मई को पब्लिक इकोनॉमिक्स जो जनरल इलेक्टिव में सब्जेक्ट है 4th सेमेस्टर का,
23 मई को सेकंड सेमेस्टर का कॉरपोरेट लॉ, 25 मई को जो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट जो है उसका एग्जाम है, 30 मई को जो है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोर सब्जेक्ट इसका एग्जाम है, 2 जून को आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस कोर पेपर इसका एग्जाम है, 3 जून को आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव 4 इसका एग्जाम है, 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, और 6 जून को आपका लास्ट एग्जाम है 4 सेमेस्टर का बिजनेस मैथमेटिक्स का। तो ये हो गया बीकॉम ऑनर्स का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो प्रोग्राम कोर्सेज हैं उसके एग्जाम 1 जून से स्टार्ट हैं और जो ऑनर्स कोर्सेज हैं उनके एग्जाम 9 मई से स्टार्ट हैं। तो ये डेट शीट जो भी आपकी डेट शीट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है @SOLReporter, वहाँ पर मैं इसको शेयर किया हुआ है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन केस किसी स्टूडेंट्स को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप वेट करें, जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, अभी आपके ऑफलाइन एग्जाम हो तो एडमिट कार्ड जनरली आपका एग्जाम स्टार्ट होने के 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आ जाएगा, तो उसमें आपके सारे डेट्स टाइम और मेंशन किया गया होगा, जो आपका एग्जाम सेंटर है वो भी उसमें मेंशन किया गया होगा, तो आप एडमिट कार्ड का वेट कर सकते हैं अगर आपको डेट शीट अभी भी समझ नहीं आ रही है तो। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, आप डेट शीट को इजिली समझ सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, वहाँ पर आपका रिप्लाई किया जाएगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।